आप सभी अच्छे होंगे। और ये क्लास 12 के लिए फिजिक्स की क्लास है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था, ओम के नियम के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप धारा घनत्व को देख सकते हैं और किस तरीके से आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला नंबर है कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होते हैं और उसी आवेशों के गमन के कारण हमारी धारा बढ़ती है, ठीक है, लेकिन अगर हम आवेश की बात करते हैं तो ये भी बात हम करते हैं कि अगर कोई धातु होती है तो धातु के अंदर मुक्त आवेश भी होते हैं और आवेश कैसे क्या करते हैं, एट रैंडम गति करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बात करें कि अगर हम किसी परिपथ या कोई भी हमारा बोर्ड है उसमें हमने सेल नहीं लगाया, ठीक है, तो एट रैंडम अगर सेल नहीं लगाया है, अगर ये धातु है तो धातु के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मुक्त आवेश है जो क्या कर रहा है, एट रैंडम इधर उधर ऐसे करके गति कर रहा है। चूंकि आवेश को गतिमान करते हैं तो फिर हमें धारा क्यों नहीं दिखती, धारा कहां पर, धारा यहां पर शून्य क्यों, अगर आवेश यहां पर गतिमान है तो धारा शून्य क्यों, क्यों हम कहते हैं कि जब तक हम यहां पर विद्वांतर है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं हम किसी तरीके से अप्लाई करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में नहीं इसको रखेंगे तब तक वह धारा हमें नहीं प्राप्त होगी। लेकिन इवन यहां पर तो पर कि आवेश को गतिमान है ये बात सही, और नियम और कहा जाए कि इसके अंदर जो मुक्त आवेश है अगर ये धातु है तो 10^5 मीटर पर सेकंड इतने हाई वेलोसिटी से इसके अंदर की जो है जो आयन है वो आपके लिए गतिमान है, तो फिर हमें धारा क्यों नहीं इस तरीके जब तक हम यहाँ पर बैटरी नहीं लगाए। बात ये होती है कि ये बातें सही, और इस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। देखिए ये कारण क्या है कि इस इनके कारण हमें यहाँ पर धारा क्यों नहीं मिलता है, वजह क्या है कि एट रैंडम इसके अंदर जो आवेश होते हैं वो बहुत हाई या ऊष्मीय वेग से जो है एयरबोर्न 10^5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है गतिमान तो होते हैं, लेकिन काम क्या होता है इसी इसके अंदर जो धनायन होते हैं तो वो भारी धनायन होते हैं, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वो काम कर जाते हैं तुरंत हाई ऊष्मीय वेग से चलते हैं ये तुरंत इसे टकराते हैं, टकराते हैं, टकराने के पश्चात ये इनकी जो चाल है उसमें तो कमी नहीं आती, लेकिन क्या एट रैंडम ये किसी और दिशा में मुड़ जाएंगे, मतलब इनका वेग तो बदल जाएगा लेकिन इनकी चाल कैसी रहेगी, जैसी है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अब ये देखा जाए कि अब ये तो चाल बदल गई, लेकिन अगर किसी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ले लिया जाए और उसके बारे में विचार किया जाए तो ये दिखाई देगा कि यहां से जाने और आने वाले सभी आयनों का अगर हम सम दें, आयन की बात कर रहे हैं कि नेट आवेश को अगर हम देखें तो यहां से आने और जाने वाले सभी आयनों का जो नेट आवेश है वो लगभग आपको शून्य के बराबर होता है, या यूं कहें कि एक अनुप्रस्थ काट से आने और जाने वाले सभी आवेशों का जो नेट वेग है, नेट वेग, नेट वेग वो आपका शून्य के बराबर होता है। हालांकि आवेश तो मेरे गतिमान होते रहते इधर उधर इधर, लेकिन नेट वेग जो है या कहें नेट आवेश जो है शून्य होता है, नेट आवेश शून्य है मतलब ये कि यहाँ पर कोई भी आवेश अगर नेट आवेश शून्य भी गढ़ती हो तो यहाँ पे जब आवेश ही नहीं गतिमान है नेट आवेश शून्य है तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अब हम इनके वेगों की बात करें, मतलब ये यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन या आयन है वो U1, U2, U3 अगर यह जो है आवेश U1, U2, U3 यूनियन वेग से अगर इधर उधर गतिमान है तो अगर उनके वेगों का अगर हम औसत वेग लें, क्योंकि उनके वेग को हम कहा उष्मीय वेग, अगर हम इनका औसत उष्मीय वेग लें तो औसत उष्मीय वेग को कैसे लिखेंगे, U1+U2+U3+U1/5 में तो हम कह सकते हैं कि किसी एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यहाँ पर जितने भी आयनों का उष्मीय वेग है वो किसके बराबर होगा, शून्य। तो उष्मीय वेग शून्य है मतलब ये कि कोई भी यहाँ से नेट आवेश नहीं गुजरेगा, जब कोई भी नेट आवेश नहीं गुजरेगी तो धारा क्या होगी, शून्य। तो इनके औसत उष्मीय वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर यह आयन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/m/2 2/2 2/2 0। ठीक है, तो ये वो कारण है जिसके कारण इस उष्मीय वेग के कारण इस चालक में कोई भी धारा नहीं बढ़ती। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम काम क्या करें, इस चालक के अंदर कहीं से एक प्रकार का अस्थायी वैद्युत क्षेत्र हम अप्लाई करते हैं। अस्थायी वैद्युत क्षेत्र हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। जब ही बैटरी से हमने इसको एक्स या तुरंत इसके सिरों पर क्या अप्लाई हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, अगर हम किसी चालक को ये तो आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं
ये आपका फ्लो हो रहा है, ये जो दाब है यहाँ पर जहाँ हमने एरिया को संकुचित कर दिया है, ये पानी को रोक रहा है और यहाँ का जो दाब हो वो काम कर रहा है, पानी को आगे पुश कर रहा है। उसी तरीके से धारा की आप बात करें कि जो यहाँ का विभवांतर होता है वो धारा को ले जाने में सहायक होता है, धारा को पुश करता है, प्रतिरोध जो है धारा के मान में रुका रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी विभवांतर अप्लाई होता है तुरंत इसके अंदर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र हो जाए, इलेक्ट्रॉन काम क्या करेंगे धनावेश की तरफ चलना शुरू कर देंगे, धनायन जो है ऋणावेश की तरफ चलना शुरू कर। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पर जो है आवेश जो है पहले तो यहाँ पर देखिए उसमें वेग से गतिमान थे, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके ऊपर जो है एक और प्रकार का बल आरोपित होना शुरू होगा। ठीक है, और उस बल के कारण अब ये गति करना शुरू करेंगे, यानी इसके अंदर जो आवेश जो थे पहले उसमें वेग से गति कर रहे थे, और उसमें वेग के बाद जब हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो तुरंत वैद्युत क्षेत्र के कारण अब वो तो उसमें वेग से तो चल ही रहे थे, उसमें वेग के ऊपर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक प्रकार का नेट बल लगा जिसके कारण आवेश किसी एक निश्चित दिशा में चलना शुरू। अब इसमें भी काम क्या होता है, क्योंकि जब ये चलेंगे तो जैसे पहले धनायन से टकरा रहे थे अभी ये टकराएंगे। ठीक है, इसमें काम क्या होता है कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा, ठीक है, और उस वैद्युत बल के कारण जब ये आयन जो है त्वरित गति करना जब भी शुरू करेंगे तुरंत ये किसी धनायन से काम क्या करेंगे टकरा जाएंगे, और टकरा कर जो उन्होंने इनके कारण आपका वेग प्राप्त किया था वह जो है फिर से कम होगा, फिर अगेन इसके कारण वैद्युत बल के कारण फिर से ये त्वरित गति करना शुरू करेंगे, फिर धनायन से टकराएंगे, इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ना जो है अपना चालू ही रहते हैं। ठीक है, उसमें वेग के कारण इंटरनेट उसमें वेग तो शून्य था, लेकिन उसमें वेग के ऊपर इस वाले जो हमने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर एक प्रकार का और बल आ गया, और जिसके कारण ये हल्की सी जो है त्वरित गति करना स्टार्ट करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर इस तरीके से चलना शुरू हो जाएंगे। कहने का यह मतलब इनके उसमें वेग के ऊपर एक कोई और हल्का सा वेग जो है आ जाता है, जो किसके कारण आता है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, इसका मतलब कि उसमें वेग के ऊपर इन्हें कोई एक और वेग प्राप्त हुआ है, और जो वो थोड़ा सा और अधिक वेग प्राप्त हुआ है उसी वेग को कहते हैं हम अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो है किसी चालक के अंदर आवेशों का वह वेग है जिस वेग से चलने के कारण आपकी धारा प्राप्त हो, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा उसमें वेग से धारा नहीं प्राप्त होती, उसमें वेग से नहीं बल्कि उसमें वेग के ऊपर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो हल्के से वेग प्राप्त कर रहे हैं उस वेग के कारण जो है धारा लगती है, उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हमने लिखा है कि जब चालक में आप वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो आगे जो है त्वरित गति प्रदान करना चाहेंगे, लेकिन काम क्या होता है कि वो जो है धनायन से टकराएंगे और अपने वेग को फिर से घूमेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है त्वरित गति प्रदान करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बात है कि अनुगमन वेग को कैसे हम परिभाषा में लिखेंगे। ठीक है, अनुगमन वेग को परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुगमन वेग की परिभाषा आपको बहुत बड़ा जो है पूछा गया। ठीक है, इसको परिभाषित करने के लिए हम ऐसे कहेंगे, यदि किसी चालक को हम जो है बैटरी से जोड़ते हैं, या यूं कहें यदि किसी चालक के सिरों पर हम जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो चालक के अंदर के आवेश अपने अनुगमन वेग के ऊपर जो है किसी और एक सूक्ष्म वेग को अपने पास रखते हैं, जिस सूक्ष्म वेग के कारण इस परिपथ में धारा बहती है, और उसी सूक्ष्म वेग को कहते हैं हम अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए जब इतनी सारी चीजें हो गई तो अभी हमने कहा कि अगर किसी हम एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो है अब आवेश चल रहे हैं, तो अब यहाँ से जब चलेंगे और चलेंगे तो तुरंत ही जो ही ये त्वरित होना शुरू करते हैं तुरंत किसी धारा से टकरा कर आगे अपने वेग को जो उन्होंने ऊपर से सूक्ष्म वेग प्राप्त किया तो उसको खो देते हैं। ठीक है, ये पहला आयन है जो एक बार आकर टकराता है, टकराने में इसके द्वारा लिया गया समय की मत, दूसरा आवेश यहाँ आएगा अपना एक करके जो है ऐसे करके कि जो है किसी धारा से टकराएगा, तो यहाँ से स्टार्ट चलकर और जस्ट एक बार टकराने में इसके द्वारा लिया गया समय T2, इसी तरीके से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते से यहां जो आवेश है उसके द्वारा जो है एक उत्तरोत्तर टक्कर में लिया गया समय T1 T2 T3 इस तरीके से T1। कहने का यह मतलब है कभी हम यही चीजें आपको बता रहे हैं कि यहां से जब चलेगा तो जो ही त्वरित गति प्रदान करना शुरू होगा तो किसी धारा से टकरा देगा, ऐसे ही जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे या इधर तक इलेक्ट्रॉन थे सभी इलेक्ट्रॉनों को एक उत्तरोत्तर टक्कर में लिया गया समय अगर हम मान लें कि T1 T2 T3
जब यहां से शुरू कर रहे हैं एक उत्तरोत्तर टक्कर में, तो यहां से जब वो त्वरित गति प्रदान करना शुरू करेंगे या त्वरित गति पाएंगे, तो टकराने से पहले, जब टकराने से पहले उनका वेग वेग भी क्या होगा, पहले से थोड़ा सा अधिक होगा, और जो थोड़ा सा अधिक वेग होगा उसे ही हम कह रहे हैं इसका जो अनुभव है। ठीक है, तो पहले वाले कण का T1 समय में वेग जो है U1 से बढ़कर V1 होगा, क्योंकि U1 से हमने कहा था कि इसका जो है उसमें वेग पहले वाले का। तो T समय में जब ये त्वरित गति प्रदान करना शुरू करेगा तो उसका वेग V1 है, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। तो अब न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु त्वरित गति प्रदान करते हैं T समय में, तो इसको लिख सकते हैं पहले वाले कण के लिए V1 बराबर U1 प्लस a V1, दूसरे के लिए इस तरीके से, ऐसे जनरेट वाले कण जनरेट वाले आवेश के लिए हम लिख सकते हैं VN बराबर UN प्लस AT। अब देखिए इन सभी को अगर हम एक साथ जोड़ें तो ये जो सारे समीकरण है V1 V2 V3 V4 V6 ऐसे करके VN, हम ऐसे जोड़ क्यों रहे, क्योंकि अभी हमने लिया था कि जो उसमें वेगों का सम हम लिए थे, तो इस तरीके से अगर हम समीकरण को जोड़ेंगे तो यहां पर आपको उसमें वेगों का सम मिलेगा, और यहां पर वह वेग मिलेगा कि जो ये त्वरित होने के पश्चात वेग को अर्जित कर रहे थे उसका औसत वेग हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए हमने जोड़ दिया क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3 V4 प्लस T1 डिवाइडेड अपॉन V1 जोड़कर हमने लिया है इसका औसत। जब हम इसको जोड़कर औसत लेंगे तो इसका जोड़कर औसत यहां पे होगा, देखिएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस V1 डिवाइडेड अपॉन V1 प्लस, अब हम इस वाले टर्म को जोड़े तो AAA जिस त्वरण से सभी जो है त्वरित है वो त्वरण यहां पर आ गया। इस समय को हमने लिया है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस TN डिवाइडेड अपॉन में, यहां पर जो डिवाइडेड अपॉन में। ठीक है, अब चलिए जरा इस टर्म की हम बात करें, ये टर्म कैसा दिख रहा है, इस टर्म की बात करते हैं। ये टर्म अभी हमने पीछे आपको बताया है कि ये है औसत उसमें वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U1 डिवाइडेड अपॉन में, यह क्या है औसत उसमें वेग। तो ये जो औसत उसमें वेग है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक अनुप्रस्थ काट के स्थान पर होती है, आपकी शून्य के बराबर, मतलब है इस चालक से एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो औसत उसमें वेग होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। और त्वरित गति जब ये सभी कण प्रदान करेंगे तो उनका जो औसत बनेंगे यानी V1 प्लस V2 ये आपका वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होने के पश्चात इसके औसत वेग को हम देखते हैं वीडी से, या जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग बराबर होता है A × tau। अब चलिए थोड़ा tau की बात करें, tau का देखिए एक दो यानी जितने भी आयन हैं सभी आयन एक उत्तरोत्तर टक्कर में, सभी आयनों का एक उत्तरोत्तर टक्कर में जो समयों का औसत होता है उसे हम बोलते हैं श्रांति काल, और उसे लिखते हैं tau से। श्रांति काल की आपने देखिए इसकी भी परिभाषा आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रांति काल की परिभाषा लिखिए। तो यदि किसी चालक को यदि हम वैद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो उसके अंदर आवेशों के सभी आवेशों के लिए एक उत्तरोत्तर टक्कर में लिए गए समयों का जो औसत होता है उसे बोलते हैं श्रांति काल। देखिए समय का औसत है T1 T2 T3 T4 T1 डिवाइडेड अपॉन में, इसे हम बोलते हैं श्रांति काल, इसे लिखते हैं tau। और ये जो tau होता है देखिए ये बल्कि सब अलग अलग आयनों का समय अलग अलग होता है लेकिन उनका जो हम औसत समय लेंगे वो सबके लिए हम कैसा मानेंगे, एक समान। ठीक है, अब जरा हम इस VD की बात करते हैं, आपको VD हमने लिखा है VD बराबर A × tau। ये वाली वैल्यू बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसको हम कैसे जानेंगे कैसे सुनेंगे, ये tau जो है आप थोड़ा सोचिए इलेक्ट्रॉन जो गमन करते हैं बहुत ही सूक्ष्म समय बहुत ही धीरे धीरे जो है चलते हैं। ठीक है, या यूं कहें इसकी जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बहुत स्लो होती है, बहुत कम काम कैसे कर सकते हैं। ये जो ए जो त्वरण है अभी हम कह रहे हैं जो ही चलना स्टार्ट करते हैं तुरंत ये टकरा जाता है, मतलब है इनके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही कम होगा। और ये जो ये आपका समय है जिसे हम श्रांति काल कर रहे हैं ये T1 T2 T3 यानी एक उत्तरोत्तर टक्कर का जो समय होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो कहने का ये मतलब कि ये जो राशियां हैं ये बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही छोटी होंगी, और ये एयर होल आपका जो होती है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड इतना होगा लगभग। अगर बात करें किसी चालक में ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, अगर हम ऐसे प्रैक्टिकली दिमाग से सोचना चाहें कि जो त्वरित गति है क्योंकि जो त्वरित हो रही तुरंत आने से टकरा रहे हैं तो ये त्वरण कैसा होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा। ये जो औसत समय है या एक से यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक बार किसी तरह से टकराएंगे इसका भी समय काल कैसा होगा, बहुत ही
होगा, तो कह सकते हैं कि जो जो वृद्ध प्रवस्थी या अंगवान देह होगा ये भी कैसा होगा, बहुत ही कम, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 10 के पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। मतलब ये कि पहले वो इस ऊष्मीय वेग से गतिमान थे और इसके ऊपर इतनी सूक्ष्म वेलोसिटी ऐड होती है, मतलब ये कि जो जिन आवेशों के कारण धारा बहती है उस आवेशों की चाल नियर अबाउट किसके बराबर होती है, 10 के पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये कि धारा के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल है वो कैसे चलते हैं, बहुत ही कम वेलोसिटी से चलते हैं, और जिसे हम कहते हैं वृत्त वेलोसिटी या अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए मैंने आपको वृत्त वेलोसिटी के बारे में बताया, vd is equal to a into tau। ठीक है, अब चलिए इसमें काम क्या होगा, अब इतना तो मैंने बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले जो वहां के पॉइंट्स आपने देखा था उसमें मैंने लिखा था अनुगमन वेग के बारे में, और इसके बाद धारा और अनुगमन वेग के संबंध में मैं आपको बताऊंगा धारा और अनुगमन वेग में कैसे हम संबंध दिखाएंगे, इसके बाद ओम का नियम का कैसे हम सत्यापन करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर। ठीक है, चलिए अब जो पीछे मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि जब ये आवेश इसके अंदर जो आवेश है उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन को चुन लें, तो जब वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उसमें क्या लगता है, वैद्युत बल, और लगने वाला वैद्युत बल किसके बराबर होता है, आवेश और वहां के वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। और यह बल काम क्या करेगा, जब वो वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यही बल उसको क्या प्रदान करेगा, त्वरित गति प्रदान करेगा। तो त्वरण के लिए हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उस पर लगने वाला त्वरण। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब देखिए हम लिख गए E into capital E बराबर m into a, यानी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल बराबर होगा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान into त्वरण। यहां से हम त्वरण की वैल्यू को उठाकर हम dI इस vd वाले में रख सकते हैं, हमने इस वैल्यू को रखा vd बराबर है tau into E capital E upon m, इसको समीकरण नंबर 3 हमने लिखा। tau को हमने कहा है यहां पे देखिए tau को शांति का कारण पीछे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए यदि चालक की लंबाई l है, उसके सिरों का विभवांतर v है, वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें जो संबंध होता है इस पर तो d by है। अब हम यहां से चाहे तो इस E की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, यहां हमने रख दिया तो हमको आया v बराबर E by m और v upon l into tau। ठीक, चलिए अब जब इतना से आसान चीज होगी। ठीक, अब हम ऐसे शुरू करें, वो जो चालक है, चालक मैंने पीछे आपको दिखाया था या लंबाई कैसे, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह है। यहां से हम आपको दिखा रहे हैं धारा और अनुगमन वेग के संबंध, आपको यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह है, तो उस यल लंबाई चालक में जो है कुल कितने आवेश जो है हमारे पास मात्रा में हो सकते हैं। तो देखिएगा यल जो है चालक के प्रति एकांक लंबाई में जो है उपस्थित जो है आवेश है, और चालक में कुल t समय में ये आवेश हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे हैं, तो ये उस चालक में उपस्थित आवेश कितने होंगे, q बराबर n e a into b। देखिएगा इलेक्ट्रॉन तो एक एक ये जो इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, n जो है प्रति एकांक आयतन का आवेश है, तो इसमें आयतन से गुणा करेंगे तो वो a into l यानी चालक के पूरे आयतन में कुल कितने आवेश होंगे। ठीक है, अब चलिए अब मान लें कि यदि जो है इस क्यू कूलम को आवेश जो प्रवाहित हो रहा है जिनके कारण हमें धारा बराबर जो है मिल रही है वो वेलोसिटी क्या है, वृत्त वेलोसिटी भी। अब देखिए चार्ज बराबर दूरी बटे समय को अगर हम लगाएंगे तो वृत्त वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं तो vd बराबर क्या होगा, यल अपान में टी। ठीक है, अब इसमें से काम का करें यल की वैल्यू उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यल बराबर क्या होगा, vd इनटू टी। यहां पे हमने जो है इस vd को चार्ज वाले सूत्र में जो हमने उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अगर मान लें कि इस आवेश q गुलाब को t समय में प्रवाहित हो तो उसके कारण अगर धारा आ रही है तो क्या कह सकते हैं q बराबर i into t, तो आप हो गया i into t बराबर l e a, और यहाँ पर हमने जो है इस vd की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया t into v, t से t आपको कैंसिल हो गया, i बराबर क्या है l e a v t। यही है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यह आपका न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे धारा और अनुगमन वेग में मैंने संबंध स्थापित कर दिया है, अब है कि इस अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस समीकरण को हमने लिख दिया है यहाँ पर, और लिया हमने समीकरण नंबर 5 को जिसमें dt e
पी अपान लेयर पी अपान लेयर इनटू टाउ। और हम काम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6 से डीडी की वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 5 करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए पीडी बराबर है क्या, आई अपान लेयर पी के, आई अपान लेयर पी के बराबर, अब ये वाली वैल्यू पी बाय एम हो गई बी अपान लेयर इनटू टाउ। ठीक है, अब देखिए अगर पी को यहीं पर छोड़कर हम एमएल का गुणा यहां पर करें और ई का और नीचे और ई को यहां पर, तो अब देखिए ये सारी चीजें यहां पर आएगी, बी को छोड़कर यह एमएल आपका ऊपर चला गया और बटे में आपका एन ई स्क्वायर ए इनटू टाउ आर हो गया आपका। अब इस सारी चीजों को जरा हम गौर से पढ़ देते हैं। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यम चालक की लंबाई है, ये दोनों कैसे हुए, द्रव्यमान जो है ना चालक की लंबाई है, यन जो है प्रत्येक आयतन में जो है आवेश की मात्रा ये भी नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये नहीं बदलेगा, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी नहीं बदलेगा, ये जो क्रांति काल मैंने आपको बताया क्रांति काल जो है एक औसत समय है, तो ये भी नहीं बदलेगा, मतलब ये सारी चीजें कैसे हो गई, नियत हो गई। जब ये नियत हो गई तो इसके इसको हम नियत को हटाएंगे तो यहाँ पे अनुप्रमाणवादी चिन्ह लगा सकते हैं, अनुप्रमाणवादी चिन्ह लगाया तो और यहाँ पर देखा तो आपको मिला बी अनुप्रमाणवादी आए। अब हम ओम के नियम की तरफ जाएं तो यही एक प्रकार से कह सकते हैं ये ओम का नियम किसी चालक पे सिरों पर भी अप्लाई किया गया विभाग कर उसमें धारा के कैसे होता है अनुक्रमानुपाती होता है और ये किसका नियम है ओम का। इस तरीके से हम चाहें तो अनुक्रमण दर के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। अब देखिएगा इस ये जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हटाते हैं तो जो नियतांक देते हैं उसे हमने कहा था कि तार का क्या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम चाहें इस रूप में लिख सकते हैं आर बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर इन टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए पूरा सूत्र आपका हो गया बी बराबर आई इंटू, इस तरीके से आप अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल एक बार पूछा गया था कि अनुगमन वेग पर जो है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, श्रांति काल पर क्या है, सारे ताप के प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप गैस की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आपको बताई जाएगी, तो एक चीज बताई जाएगी यदि किसी बंद यहाँ पर गैस है तो गैस के अंदर जब भी आप ताप बढ़ाते हैं तो एट्रैक्टर इसका जो है ये अपने स्थान से जो इनके इधर उधर चलने की गति में पड़ने लगते हैं। ठीक है, जब इधर उधर एट्रैक्टर जब ये मोशन करते हैं तो इनका जो टकराव होता है वो पड़ता है, आज जब टकराव बढ़ेगा तो इस टकराव बढ़ने के कारण इसके अंदर घर्षण जो है ज्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो कहने का ये मतलब जब टकराव जितना ही अधिक होगा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही कम होगी। देखिएगा टकराव जितना ज्यादा होगा, टकराव ज्यादा होगा तो ये पहले से थोड़ा कम ही समय में टकरा जाएंगे, तो जब पहले समय में टकरा जाएंगे तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ठीक है, अब जब अनुगमन वेग आपको घटेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग आपको घटा यहाँ पर जब अनुगमन वेग आपका घटेगा तो जाहिर सी बात है ये आपका विभवांतर टाउ ई और एम उसके लिए नियत रहेंगे, अनुगमन वेग जो है इसी चीज को इफेक्ट कर रहा है यहां पर कि वीडी बराबर है टू टाउ, जब ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब ताप आप बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग कम हो जाएगा और इसके कारण क्रांति काल भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको आया था कि अगर किसी चालक काल का जब ताप बढ़ेगा तो उसके अनुगमन वेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुगमन वेग घटेगा उसका शांति काल भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ये पॉइंट जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए और इसको जो है कोशिश करिए पढ़ने की, जो चीजें न समझ में आती है आप कमेंट्स करिए, मैं आपको जो है जवाब देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।